먹고 밑다니까. हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट गटरू और आज मैं एक और मजेदार टाइम पास एपिसोड लेके आया हूँ। आज हम सुनेंगे रूट रूट की बातें, देखेंगे कौन बनेगा करोड़पति और सीखेंगे सोहा के साथ योगा। हाँ आया मोंटी। मेरे दोस्त मोंटी ने नए रोलर स्केट्स खरीदे हैं और वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ खेलूं। पर मुझे डर लगता है, अगर मुझे स्केट्स चलाना आया ही नहीं तो? दादी कहती है गलती के डर से हम कोई भी नई चीज नहीं सीख पाते। जैसे गज्जू आज कुछ नया सीखने वाला है, चलो देखते हैं। गज्जू मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? क्या मतलब, आपकी तबीयत खराब थी? मेरा मतलब मैं कैसे दिख रहा हूँ? जैसे रोज दिखते हो। क्या गज्जू, मैं दरअसल मिस फूल गोभी से बात करने की तैयारी कर रहा था। हाँ, ऐसी क्या खास बात है फूल गोभी में जो आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हुए हो? अरे क्यों नहीं, तुम्हें पता है फूल गोभी को 2000 साल पहले डिस्कवर किया गया था। क्या ये फूल गोभी इतनी बूढ़ी है? अरे मैं इस फूल गोभी की नहीं, मैं फूल गोभियों की हिस्ट्री, उनकी रूट्स की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा। रोमन एम्पायर के एक आर्मी कमांडर ने इसे डिस्कवर किया था। उन्होंने इसे मोस्ट प्लेजेंट टेस्टर ऑफ ऑल कैबेज कहा था। वाओ। और तो और इसमें काफी अनोखी ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है। हेलो, कैसे हो आप? ये क्या बड़बड़ा रहा है? फूल गोभी से मिलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आया हूँ आपके सामने एक और नया सवाल लेकर। बहुत ही मजा आ रहा है सेल ए और सेल बी का ज्ञान देखकर। दोनों लड़ते भी हैं और साथ में जीतते भी हैं। भाई वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। तो शुरू करते हैं आज का गेम शो, कौन सा सेल बनेगा करोड़पति। आपका अगला सवाल है ये, कौन सी ऐसी गैस है जिसके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। हम फोन अ फ्रेंड वाली लाइफलाइन यूज करेंगे तो क्या फोन कॉल के पैसे देने पड़ेंगे? अरे नहीं नहीं, कंप्यूटर जी फोन लगाइए, किससे बात करना चाहते हैं? मेरे पापा से। लीजिए फोन लग गया, बात कीजिए और थोड़ा जल्दी, अंडर वाटर में नेटवर्क थोड़ा वीक है आज और आपके पास है पूरे 30 सेकंड। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, आई ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। अरे जल्दी कीजिए। अरे बेटा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया क्या? पापा होमवर्क भी हो जाएगा, पहले आप मेरे इस सवाल में मदद कीजिए ना। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी गैस है? ओ बेटा, गैस सिलेंडर वो तो खत्म हो गया है, नया बुक किया है लेकिन अभी तक आया ही नहीं। अरे पापा गैस सिलेंडर नहीं। ओ समय समाप्त, पापा को गैस सिलेंडर की ज्यादा चिंता थी, अब आप क्या करेंगे? मेरे हिसाब से इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। मुझे अभी याद आया,
मैंने साइंस क्लास में पढ़ा था। पक्का ना? हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाते वक्त ये पढ़ा था। इंसान एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरा भी आंसर वही है जो उसने बोला। ओके कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए हैं पूरे 360,000 रुपए। और इसमें कोई गैस सिलेंडर का कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, बल्कि आप ही का है। ये। I am Sam and I love traveling. Guess where I am today? I'm at Kuror in Palau, snorkeling in a lake packed with millions of jellyfish who are always migrating. This lake is 12,000 years old and quite isolated. I'm loving swimming around with these jellyfish. And thankfully, their stingers are too small to cause any damage to visitors. Hee hee! Jolly's quote of the day. Hello, ji. पक्षी, बर्ड्स, डायनासोर के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं। ट्रू और फॉल्स? ये क्या बात हुई? डायनासोर्स तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और अगर उनके कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो वो रेप्टाइल्स हैं। ये तो सबको पता है। I don't agree. बायोलॉजिस्ट बड़ी आसानी से अपना आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं कि डायनासोर्स तो कभी एक्सटिंक्ट हुए ही नहीं, क्योंकि उनकी वंशज तो बर्ड्स हैं। क्या? तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ, मुझे आइडिया है और पेलियंटोलॉजिस्ट को भी। उनका मानना है कि कई डायनासोर्स पंखों से कवर्ड थे, उनके बोन्स बहुत ही लाइट थे और वो अंडे देते थे, ठीक मॉडर्न पक्षियों की तरह। वो सो तुम्हारा कहने का मतलब है कि डायनासोर्स के पर पोते और पोती हमारे आसपास उड़ने वाले पक्षियां हैं? हाँ, तुम ऐसा कुछ कह सकते हो। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नई चीजें जानना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। शायद मुझे स्केटिंग ट्राई कर ही लेना चाहिए। गलती की तो क्या हुआ, फिर से ट्राई कर लूंगा। जैसे कीरो हर बार सोहा का नया पोज सीखने के लिए तैयार रहता है। नमस्ते। नमस्ते सोहा, कीरो तैयार है कुछ नया सीखने के लिए। वैसे आज हम क्या सीखने वाले हैं? ताड़ासन। ओह वाओ, मैंने इसके बारे में सुना है, इसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सीधे खड़े हो जाए और अपने कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखें। फिर अपने पंजों पर खड़े हो जाए। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। ऐसे 30 सेकंड तक रुके। ये हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, ये हमारे रीढ़ की हड्डी को ताकत देता है और कमर और पैरों में भी मजबूती लाता है, और तो और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। So, हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए माउंटेन पोज काफी फायदेमंद हो सकता है। मैं इसे रोज करने वाला हूँ। धन्यवाद।
योगासन मैं भी प्रैक्टिस करूंगा ताकि जब मैं गिर भी जाऊं स्केटिंग सीखते वक्त मेरी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ये अच्छा तो फिर मैं चला स्केटिंग सीखने। आप भी आज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करना, कोई भी नई चीज। मोंटी मेरे लिए रुकना। बाय दोस्तों। ¡Una comita!